Hello students, welcome to Electro Classes, One Step Ahead for Learning, where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss the in-text questions of Chapter 1, Class 10, Chemical Reactions and Equations. So let's start. Students, first in-text questions are given on the page of number 6. First question is, why should a magnesium ribbon is cleaned before burning in air? Okay, मतलब magnesium ribbon को हम जब air में burn करते हैं, तो उसे burn करने से पहले हमको clean करना पड़ता है. तो ऐसा क्या reason है कि हमको क्या है, पहले magnesium ribbon को clean करना होगा, तभी वो क्या होगा, air में burn होगा. ठीक है, तो उसका reason क्या है, magnesium क्या है, एक reactive metal है. तो जब मैग्नीशियम मेटल की कोई भी आपकी, चाहे वो मेटल हो या उससे रिलेटेड कोई भी कंपाउंड हो, तो वो क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल क्या होगी, एयर में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी, जो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, उससे वो रिएक्शन करके क्या कर लेगी, उसके ऊपर जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाएगी मैग्नीशियम कार्बोनेट की. ठीक है, या वाटर से रिएक्शन करेगा वो, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, वो मॉइस्चराइज फॉर्म में ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और जो मैग्नीशियम रिबन होगा उसके ऊपर क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है. ठीक है, तो हम रिएक्शन नोट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. इंटेक्स क्वेश्चन, चैप्टर 1. ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 6 पर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को हम क्लीन क्यों करते हैं. तो मैग्नीशियम की जब ओपनली उसे एयर में रखा जाता है तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है. क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है. और अगर मैग्नीशियम को हम किसमें, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर रिएक्शन करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का डेवलपमेंट करता है. ओके, तो ये दोनों जो आपके कंपाउंड है, इन दोनों की क्या होगा, लेयर जो है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या हो जाएगी, बन जाएगी. ठीक है, जो कि मैग्नीशियम रिबन को जलने के लिए प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, मतलब उसे जलने नहीं देगा, उसे जलने से क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा. तो अगर हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है प्रैक्टिकल्स करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, पहले उस लेयर को क्या करना होगा, क्लीन करना होगा. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. तो आप क्या नोट कर सकते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन. सो बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन वी हैव टू क्लीन इट. ओके, क्लियर. तो थ्योरी जो सेक्शन है वो आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको रिएक्शंस क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूंगा, उसकी जो आपकी थ्योरी है वो आप नोट कर सकते हैं. ठीक है, तो थ्योरी लिखने के लिए और इक्वेशंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी. ठीक है, तभी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे. अगर मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा, मींस जो क्वेश्चंस की थ्योरी है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए कोई वर्क पेंडिंग नहीं बचेगा. तो आपको क्या है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी. तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप उन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कर सकते हैं और रिएक्शंस को बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई है सेकेंड क्वेश्चन में, उसमें क्या करना है, आपको उनको बैलेंस करना है. तो आपको रिएक्शन जो दी हुई है वो आपको किसी वे में दी हुई है, उनके नेमिंग के थ्रू दी हुई है, आपको उनके फॉर्मूले नोट करने हैं और फिर उनको क्या करना है, बैलेंस करना है. तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं. फर्स्ट है जो हमारी, वो है हमारी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है हमारी, H2, और क्लोरीन हमारी क्या होती है, Cl2, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड मींस HCl बनाया हमारा. ठीक है, तो आपको बताया कि हाइड्रोजन, मैंने आपको रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था कि रिएक्शंस को आप कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. ठीक है,
हाउ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव द रिएक्शंस, कैसे मतलब उनकी स्टेट्स लिख सकते हैं, उन पर टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, कैटलिस्ट नोट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इक्वेशन को अच्छे से शो करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आप सभी को पता है कि क्या होती है, गैस होती है, तो उसको हम जी से डिनोट करेंगे। क्लोरीन भी गैस है, HCl गैस भी होता है, लिक्विड भी, लेकिन वो जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की इन द गैसियस फॉर्म, तो हमें जो HCl मिलता है वो भी गैसियस स्टेट में मिलता है, फिर हम उसको लिक्विफाई करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो HCl भी हमारा किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन है, दो ही क्लोरीन है, तो यहाँ पर एक एक है, तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से, तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर चलते हैं हम। सेकेंड पार्ट है हमारा, बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट से, क्या बनाने के लिए, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि मतलब फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं हम, हमें आयंस के बारे में पढ़ना होगा, तब जाकर हम क्या करेंगे, उनके फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। अभी अगर वैसे मुझे पता है कि, मुझे लगता है कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि फॉर्मूले कैसे आप नोट कर सकते हैं, वो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट से नहीं पढ़ा हुआ है तो फिलहाल वो क्या करेगा, इन फॉर्मूले को लर्न कर लेगा, इसके बाद जब मैं नाइन्थ की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मैं आपको फॉर्मूले डेराइव करना सिखा दूंगा। ओके, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, एल्यूमिनियम सल्फेट से। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, एक्वस फॉर्म में हो गए वो भी। फिर वो किससे रिएक्शन कर, मतलब दोनों ने रिएक्शन करके क्या किया, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 बनाया जो कि सॉलिड फॉर्म में होता, PPT होता है, ये मैंने एग्जाम्पल आपको नोट भी कराया था। और क्या बनेगा साथ में, एल्यूमिनियम बचा है, क्लोरीन बचा है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो यहां पर हमने रिएक्शन नोट कर चुके हैं, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। आप देखेंगे यहां पर BA कितने हैं, 1, यहां पर भी 1 है। ठीक है, मैंने आपको बैलेंसिंग भी सिखाई है, तो अगर आपने बैलेंसिंग नहीं देखी है तो इससे प्रीवियस पार्ट्स आप दे सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंपाउंड हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसमें क्योंकि ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, और वहां पर सिंगल है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्शन में ऐसा होता है, मोस्टली रिएक्शन में, कि आप एक कंपाउंड को बैलेंस करेंगे, एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे किसी कंपाउंड के, तो दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, दूसरे को करेंगे तो पहला अनबैलेंस हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से करें, और इससे परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका एक अनबैलेंस हुआ तो एक बैलेंस हुआ, एक बैलेंस हुआ तो एक अनबैलेंस हुआ, वो सभी के साथ होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का 2 हो गया, यहाँ पे सल्फेट कितने हैं, 3, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3, तो 3 हो गया। अब यहाँ पर यही कंडीशन बनी, देखो सल्फेट हमने बैलेंस किए तो सल्फेट यहाँ पर कितने थे, 3, एल्यूमिनियम कितने हो गए हमारे, 2। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करते हैं, बेरियम को और क्लोरीन को, तो बेरियम कितने हो गए हमारे, 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्लोरीन कितने हो गए, 3 × 2 = 6, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 × 3 = 6, तो आपकी इक्वेशंस क्या होगी, बैलेंस। फिर हम चेक कर लेते हैं एक बार, हमेशा ध्यान रखिए इक्वेशंस क्या होती हैं, जब आप बैलेंस करते हैं तो उसको लास्ट में, जब आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी हो, तो आप दोबारा चेक करें कि आपकी कहीं बाय मिस्टेक कोई बैलेंस ऐसा तो नहीं जो अनबैलेंस रह गई हो इक्वेशन। ठीक है, ये ऐसा टीचर्स के साथ भी हो जाता है कि कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, मुझसे भी हो चुका है कई बार, कि आप क्या करते हैं इक्वेशन को एक साइड से बैलेंस करते हैं, दूसरे साइड से अनफॉर्चुनेटली वो बैलेंस भूल जाते हैं आप, या मिस आउट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार जरूर चेक करें। तो 3 BA हो चुके हैं यहाँ पर, Cl कितने हो गए, 3 × 2 = 6, एंड 3 × 2 = 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, तो ये अब आपकी बैलेंस हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। जिंक ऑक्साइड और कार्बन, ठीक है, बाकी का जो पार्ट है वो आप खुद करने के देखेंगे, खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, बाकी पार्ट आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, लास्ट जब हम लेक्चर फिनिश कर चुके होंगे तो मैं भी आपको कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस दूंगा PDF की फॉर्म में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, और आपको PDFs भी अवेलेबल कराए जाएंगे, PDF नोट्स के, जो कि नोट्स होंगे मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स के नोट्स हैं, तो वो मैं क्या करूंगा, PDF फॉर्म में आपको अपने चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 3rd
थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि यहां पर क्या करना है आपको, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या करना है आपको, सिंबल नोट करने हैं और उन रिएक्शंस को नोट करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन लेने हैं आपको वाटर में। तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन हो चुका है। उसके बाद आपका क्या है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट मींस Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन हो गया आपका। आगे चलते हैं, क्या मिला हमें, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि यही बेरियम सल्फेट आपको दोबारा मिल चुका है। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट होता है इसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। और क्या बनता है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मींस NaCl, और उसका सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर देखेंगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला सबसे थोड़ा बड़ा लग रहा है, इस पर चलते हैं। तो सोडियम कितने हैं यहाँ पर, 2, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। सल्फेट यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 1 ही है, पूरा सल्फेट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 हो चुके हैं। बेरियम यहाँ पर सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। फिर आप चेक कर लेंगे एक बार, Ba सल्फेट आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2Na हो गया और 2Na, और Cl भी यहाँ 2 है, वहां पर भी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH का एक्वस सॉल्यूशन हो गया आपका, प्लस आपका क्या हुआ नेक्स्ट, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब HCl का वाटर में सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, उससे रिएक्शन करी तो क्या बनता है हमारा, सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा और प्लस वाटर, वाटर हमारा H2O लिक्विड फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहां ध्यान देंगे NaCl बन चुका है H2O, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो आपको केवल नोट करनी थी। इतने क्वेश्चंस जो पेज नंबर 6 पर थे आपके 3 क्वेश्चन, वो तीनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट इट। आइए आगे चलते हैं। आगे जो आपके एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है वो पेज नंबर 10 पर है। ठीक है, यहां पर आपके 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पेज नंबर 10 पर है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या होता है, यूज होता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब यहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में उस कंपाउंड का नेम लिखना है और फॉर्मूला लिखना है जो कि व्हाइट वॉशिंग यानी कि पेंट करने के लिए यूज होता है। तो ये आपको याद करना होगा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हमारा कौन सा कंपाउंड यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड दिया हुआ है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। मतलब इसकी वाटर के साथ आपको क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है कैल्शियम ऑक्साइड की। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा ये हो गया, वाटर हमारा ये हो गया, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, ये रिएक्शन मैंने आपको थ्योरी में भी कराई थी। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो एस से डिनोट करेंगे, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो एल से डिनोट करेंगे। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिसोल्व होता है तो हमें क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या निकलता है इसमें, हीट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन हमारी किसका एग्जांपल थी, किसका एग्जांपल थी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एक एक्टिविटी 1.7 पर दी हुई है, आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हैं। उस एक्टिविटी में क्या है, आपका जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, आप देखिए अपनी बुक्स में, तो उसमें क्या है, उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किया हुआ है, तो वो क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड की है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, जिससे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। आप अपनी बुक में चेक कीजिए। ठीक है,
तो वो रिएक्शन क्या होती है, हम नोट करते हैं, 2H2O लिक्विड फॉर्म में है वाटर, इसका हमने क्या कराया, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, क्योंकि करंट हमने इसमें प्रोवाइड किया, डीकम्पोजिशन। तो क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है, इसको हमने बैलेंस कर लिया है रिएक्शन को, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 2^4 हाइड्रोजन, 2^4 ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर भी क्या हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक गैस जो है दूसरी गैस का डबल क्यों है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में होती है तब भी, तो हम यूज करते हैं 2 वॉल्यूम है, और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये कितना हो गया, 1 वॉल्यूम। ये हमारी हाइड्रोजन गैस किस पर मिलती है, एट कैथोड, मैंने आपको बताया था बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, कैथोड और एनोड, तो कैथोड पर हमारी क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर हमारी क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो एक गैस कैथोड पर मिलती है और एक एनोड पर, और दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लियर कि एक गैस जो है इसके 2 वॉल्यूम है, इसके 1 वॉल्यूम है, तो ये वाली गैस हाइड्रोजन गैस डबल है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स, ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल 2 है, यहाँ पर 3 है, वन है, तो ये इसका जस्ट डबल हुआ, और वो गैस जिसका पार्ट डबल है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द गैसेस विच आर लाइब्रेटेड विद द इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 2:1, ओके, आर फॉर्म इन द रेशो ऑफ 2:1, हेंस हाइड्रोजन गैस इज डबल्ड टू द ऑक्सीजन गैस, क्लियर। तो यहाँ पर जो पेज नंबर 10 पर आपके क्वेश्चन दिए हुए थे वो भी यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चंस पर, जो कि आपके कौन से पेज नंबर पर दिए हुए हैं, पेज नंबर 13 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 13 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, तो प्लीज पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 13 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल्स आर डिप्ड इन इट, मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें जब हम आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कील डालते हैं तो उनका कलर जो सॉल्यूशन का है वो चेंज क्यों हो जाता है, तो उसका जो क्लैरिफिकेशन होगा वो उसकी रिएक्शन के थ्रू होगा। तो पहले हम रिएक्शन नोट करते हैं कि जब हम आयरन नेल्स सॉलिड फॉर्म में होगी किस में डालते हैं उसको, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो यहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आयरन मेटल है, मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था ये रिएक्शन, वो कॉपर से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और क्या बनाती है, फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर मेटल, क्लियर। तो यहां पर ये रिएक्शन हुई हमारी, आयरन मेटल है, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, और जो हमारा फेरस सल्फेट है वो हमारा क्रीम सॉल्यूशन होता है। तो अब यहां पर क्या हुआ, आयरन मेटल ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस होकर क्या सॉल्यूशन बन गया, हमारा आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। सो हम आंसर में क्या नोट कर सकते हैं, आयरन इज ए रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, सो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर, एंड वी फाइंड आउट द फेरस सल्फेट इन द सॉल्यूशन विच इज ग्रीन इन कलर, सो द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन वी डिप्ड आयरन नेल्स इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, गिव एन अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेदर इन द एक्टिविटी 1.10, मतलब 1.10 में आपकी एक चेक कर सकते हैं आप, आपकी एक्टिविटी 1.10 आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई होगी, सॉरी। सो हमें क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई दूसरा एग्जांपल नोट करना है, ठीक है। तो हम नोट करते हैं कोई अदर एग्जांपल, AgNO3 रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl,
तो क्या होगा, सोडियम मेटल क्या करेगी, सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस करेगी। सिल्वर मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी, सोडियम को। तो यहां पर क्या बन जाता है, AgCl सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, व्हाइट पीपीटी होते हैं इसके। और यहां पर क्या बन जाएगा, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्राइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एक और आपकी एक्टिविटी 1.10 में आपका जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला एग्जांपल दिया हुआ है, तो हमें वो नहीं नोट करना है, हमें क्या नोट करना है, कोई भी अदर एग्जांपल नोट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंडेक्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है पेज नंबर 13 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है, ये छांटना है कि आपका कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा आपका रिड्यूस हुआ है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन नोट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 4Na सॉलिड फॉर्म में, उसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन गैस से और क्या बन गया हमारा, सोडियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। सेकेंड दी हुई है हमें कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन की हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, तो कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गया और हमें प्लस वाटर मिला लिक्विड फॉर्म में, ओके। तो यहां पर हमें इसमें से देखकर बताना है कि किसका रिडक्शन हुआ, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में आप देखेंगे 4Na plus O2 is equals to 2Na2O। अब आप देख रहे हैं कि सोडियम में क्या हुआ है, आपकी ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है। सोडियम में ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, Na is oxidized, सोडियम ऑक्सीडाइज हुई है, रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, क्लियर, समझ में आया। सोडियम क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है और ऑक्सीजन आपकी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। सेकंड में देखते हैं कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन की हाइड्रोजन गैस से, क्या बना, कॉपर सॉलिड फॉर्म में और प्लस वाटर बना आपका, वाटर बना। अब यहां देखेंगे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर से ऑक्सीजन सेपरेट हुई, तो ये इसने क्या किया, जिस कंपाउंड से आपकी ऑक्सीजन अलग होती है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो क्या हम क्या लिखेंगे, CuO इज, यहाँ इज लिख सकते हैं, इज बीइंग लिख सकते हैं आप, इज बीइंग, थोड़ा सेंटेंस वाइज चेक कर लेंगे, इज बीइंग रिड्यूस्ड व्हाइल, यहां पर क्या हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाइल हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपके नेक्स्ट पार्ट में हम जो है किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और कुछ रिएक्शंस जो आपकी बुक्स में दी हुई है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अच्छे से रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छे से आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप क्या करेंगे, रिएक्शंस को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू।